दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम ब्रो में जो टाइमलाइन होती है, सीक्वेंस होता है, सोर्स होता है, प्रोजेक्ट फाइल होती है, इनको स्क्रीन को बड़ी करके कैसे देखें और बड़ी करके कैसे काम कर सकते हैं, आज आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे आप उस बटन को क्लिक करते हैं और आपका कर्सर जिस स्क्रीन पर होगा वो स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी। दोस्तों आपको जैसे ये प्रोग्राम सीक्वेंस फाइल है, जैसे आपको इसके ऊपर कर्सर लाना है और टैब के ऊपर वाला बटन क्लिक करना है तो आपके सामने फुल स्क्रीन हो जाएगी। आप इसको प्ले करके देख सकते हैं कि आपका वीडियो कैसा है। आपको अगर पहले वाली स्थिति में जाना है तो आपको टैब के ऊपर वाले बटन को क्लिक करना है। आपको सोर्स सीक्वेंस पर कर्सर लाते हैं और आप बटन को दबाते हैं तो आप इसका भी देख सकते हैं, और प्रोजेक्ट वाली फाइल पर क्लिक करते हैं तो उसका प्रयोग बड़ा होकर दिखने लग जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइमलाइन। टाइमलाइन में ऑडियो सेट करना हो तो उस टाइम हमारे सामने समस्या आती है कि ये पूरा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए आप इस पर कर्सर ला के जैसे आप प्रोजेक्ट फाइल पर लाते हैं और लोड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये भी फुल स्क्रीन हो जाती है। जैसे ही आप टाइमलाइन वाले बटन पर कर्सर लाते हैं और लोड बटन पर क्लिक करते हैं तो ये भी फुल स्क्रीन हो जाएगी। जैसे आप अल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो ये टाइमलाइन वाली स्क्रीन बढ़ती जाती है। आप अगर इस पर ला के अल्ट के साथ में क्लिक करते हैं तो ये वाली स्क्रीन बढ़ती जाती है। आपको पहले वाली स्थिति में आ जाना है। दोस्तों आपने देखा कि लेयर वाले बटन को क्लिक करके अपन किसी को भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर आपको पूरी स्क्रीन पर लाना है तो आपको कंट्रोल के साथ में लेयर वाले बटन को क्लिक करना है तो आपको जो अपने प्रोग्राम सीक्वेंस फाइल में है वो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। आप स्पेस की सहायता से इसको चलाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको फिर पहले वाले स्थिति में लाना है तो आपको कंट्रोल के साथ में लेयर बटन को क्लिक करना है। दोस्तों आपने देखा कि फुल स्क्रीन पे काम करना और फिर देखने में बड़ी आसानी होती है, वीडियो क्लियर दिख जाता है कि अपने कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कॉमेंट ज़रूर करें।